कैसे हैं आप लोग। और बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे, बीएचयू पाठशाला पे। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका जो कंटेंट है वो और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे एलएलबी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे और एलएलबी बीएचयू में, बीएचयू एलएलबी। तो देखिए, बीएचयू में एलएलबी जो है उसकी बहुत मायने है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी थर्ड अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो राइटिंग में। और बीएचयू के जो लॉ फैकल्टी है उसको फैक्ट्री ऑफ जजेस भी बोला जाता है। और तो अगर आपको बीएचयू में लॉ पढ़ना है तो लॉ के दो कोर्सेज हैं। एक कोर्स आपका है थ्री ईयर एलएलबी, एक कोर्स आपका आता है 5 ईयर एलएलबी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, जरूरी नहीं है कि लॉ जो है आपको ग्रेजुएशन की बात करना है। अगर आप 12th की बात करना चाहें तो आप लॉ कर सकते हैं, तो वो 5 ईयर एलएलबी के थ्रू होता है। और भाई अगर आप कोई ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेके लॉ करना चाहें तो आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। तो अब हम पहले 3 ईयर की बात करेंगे। इसकी क्या क्वालिफिकेशन, दोनों की क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, अच्छा और बुराई क्या है वो सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्वालिफिकेशंस में अगर आप 3 ईयर एलएलबी में आना चाहें तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, 50% इन ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन किस ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है कि आप एमए में आपके अच्छे हैं लेकिन ग्रेजुएशन में अच्छे नहीं है, वो उससे मतलब नहीं। ग्रेजुएशन 50 मतलब 50। वही हम 5 ईयर एलएलबी की बात करें तो यहां पे भी आपको 50% चाहिए, बट वो चाहिए आपको क्लास 12th में, यानी कि इंटरमीडिएट में। ठीक है, अगर आप 12th में इतना रखते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए दोनों में एज की कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी आए, जिस उम्र में आना चाहे आ सकते हैं। अब एक नई चीज आती है सीट्स, इसमें काफी सीट्स रहती हैं, तकरीबन आपकी जो सीट्स है इसमें 250 से 300 के बीच में रहती है। वो डिपेंड करता है कितनी आ रही है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड उसकी का कोई एक नंबर नहीं है। वहीं 7 सीटें फिक्स है 5 ईयर लॉ में, 7 सीटें आपकी लॉ में फिक्स है। अब चूंकि हॉस्टल जो कि सब जानते हो बीएचयू में सबको नहीं मिलता है, और लॉ फैकल्टी जो है हॉस्टल्स के मामले में इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ 50% से ज्यादा लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। जैसे तो यहाँ पे जैसे बात करें तो आपको 3 ईयर एलएलबी में भगवान दास और चाणक्य मिलता है, और 5 ईयर एलएलबी वाले जो है सब चाणक्य में रहते हैं। जैसे उनका ये सीन है कि फर्स्ट ईयर वाले जो लड़के रहेंगे वो चाणक्य में रहेंगे, फिर अगले 2 साल आपके भगवान दास में गुजरेंगे। और वैसे तो इनके 3 हॉस्टल है, भगवान दास, चाणक्य और भीमराव अम्बेडकर, बट 3 ईयर 5 ईयर वाले जो है भगवान दास और चाणक्य में अकोमोडेट होते हैं। तो देखिए जो हॉस्टल है वो बॉयज हॉस्टल जो है 130 लड़कों को अप्रोक्सीमेटली, ये कोई फिक्स नहीं है, अप्रोक्स 130 लड़कों को मिल जाता है बॉयज को। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हॉस्टल जो है 20 अप्रोक्सीमेटली 20 जो है सीट्स जो है लड़कियों को मिल जाता है इंक्लूडिंग। और देखिए हॉस्टल रिजर्वेशन आपको बता दूं, पीएच कैंडिडेट्स को हॉस्टल मिलेगा, पीएच कैंडिडेट्स को वंचित नहीं करते हैं बीएचयू वाले। और रिजर्वेशन उसमें सिर्फ SC ST से रहेगा, अगर आप OBC हैं तो आप जनरल में ट्रीट किए जाएंगे, ऐसा कोई आपके लिए कोई अलग से सुविधा नहीं रहेगी। अब 5 ईयर एलएलबी में आपको 18 बॉयज हॉस्टल्स हैं, 18 बॉयज और 10 गर्ल्स, ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट आंकड़े हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी में हॉस्टल्स मिल जाते हैं। एंड होता क्या है 3 ईयर एलएलबी में, अगर अभी 130 लड़के मान लीजिए पहले अकोमोडेट किए गए हैं तो वो 200 तक भी पहुंच जाते हैं। कि होता क्या है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन से लोग आते हैं तो किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, कोई सिविल क्लियर कर लिया, तो कोई कहीं चला गया, तो उस वजह से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो DU के लिए इसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि DU थोड़ा इससे ऊपर है और ज्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि वहाँ चूंकि सुप्रीम कोर्ट है तो लिटिगेशन प्रैक्टिसेस और इंटर्नशिप्स में काफी आसानी होती है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस से पहले हम पेपर पैटर्न देखते हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा। चलिए पेपर पैटर्न और सिलेबस हम एक ही साथ देख लेते हैं, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस।
तो देखिए दोनों में जो है 150 क्वेश्चन के पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस और 450 नंबर, 450 मार्क्स, और वही चीज यहां पे भी होगी, 150 सवाल और 450 आपका मैक्सिमम नंबर्स रहेंगे, एक सवाल के तीन, और नेगेटिव मार्क की 1/3 रहेगी, यानी कि सही सवाल पे 3 और गलत पे जो है आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो अब चूंकि सिलेबस थोड़ा काफी वास्ट है तो मैं इसको रब करता हूँ। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। एक बार मैं बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन दे दीजिए 50% ग्रेजुएशन में, 50% इंटरमीडिएट, ये सब जनरल, ये जो क्वालिफिकेशन है ये जनरल व्यू है। जो रिजल्ट वाले रहते हैं उनका शायद और कम रहता है, मे बी 45 रहता है, बट जनरल कैटेगरी का 50% ग्रेजुएशन है और इसमें 50% आपको इंटरमीडिएट 5 ईयर में चाहिए। सीट कोर्स में 250 से 300 के बीच में है और इसमें 60 सीटें फिक्स हैं। हॉस्टल में 130 अप्रोक्सीमेटली लड़कों को मिल जाता है, 20 लड़कियों को मिल जाता है, वही इसमें जो 5 ईयर में 18 लड़के और 10 लड़कियां अप्रोक्स हॉस्टल में अकोमोडेट हो जाती हैं। पेपर पैटर्न देखिए, 150 क्वेश्चन आएंगे 450 नंबर के उधर भी, और 3 नंबर अगर आप क्वेश्चन सही करते तो आपको 3 नंबर अवार्ड किए जाएंगे, और अगर आप गलत करते तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा। तो चलिए अब सिलेबस देखते हैं। सिलेबस तो GLLB का जो सिलेबस है वो जो है 5-year LLB सिलेबस, दोनों में काफी समानता है। तो देखिए GLLB की हम बात करते हैं तो पहले तो आपका आएगा मैथ्स। मैथ्स तो देखिए आजकल हर पेपर में ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक मैथ्स हो गया। फिर रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, देन करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज यानी जीके, जनरल नॉलेज, लीगल जीके और हिंदी इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज पेपर होता है, उसमें से आपको कोई एक अपियर करना पड़ता है। वहीं हम फाइनल में बात करते हैं तो इसमें भी मैथ्स और रीजनिंग रहेगी, हिंदी इंग्लिश इसमें भी एक ऑप्शन रहेगा, हिंदी इंग्लिश इसमें भी एक ऑप्शन रहता है, जीके करंट अफेयर्स भी रहेंगे इसमें, और इसमें जो है लीगल जीके के साथ साथ एक लीगल रीजनिंग करके भी एक चीज होती है। अब एक मैं आपको एक चीज डाउट आपके मन में आ रहा होगा, उसको मैं क्लियर करता हूँ कि लीगल जीके और लीगल रीजनिंग क्या होती है। तो जो आपको ये जो पॉलिटी वाला पार्ट होता है जो आर्टिकल्स डिफाइन करता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के क्या फंक्शंस हैं और क्या जुडिशियल हायरार्की है, तो वो सब अपन जो है लीगल जीके में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आर्टिकल 131 जो है वो आपका इसकी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे बात करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है लीगल जीके में आते हैं, ऐसे सवाल लीगल जीके में आते हैं। अब लीगल रीजनिंग क्या होती है, देखिए चूंकि BHU के जो 5-year LLB है वो पूरा क्लैट पैटर्न पे होता है, तो क्लैट पैटर्न में होने के साथ साथ क्योंकि अभी तो क्लैट का चेंज हो गया, बट मेरे समय में ये होता था 50% लीगल रीजनिंग और लीगल जीके के मिक्स आते थे। तो लीगल रीजनिंग में क्या होगा, जैसे आपको दे देंगे प्रिंसिपल, एक उनने आपको दे दिया प्रिंसिपल, ठीक है, और आपको दे दिया फैक्ट्स, आपको अपने दिमाग से प्रिंसिपल को इंटरप्रेट करके आपको उसमें सही आंसर उसमें बताना रहेगा, बिल्कुल क्लैट पैटर्न से होता है। अब जो पेपर, एक चीज आगे पेपर का मीडियम किस क्या क्या रहेगा, तो पेपर का मीडियम आपको बता रहा हूँ, चूंकि इसमें तो देखिए सब हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहता है, मैथ भी हिंदी इंग्लिश में रहेगी, लेकिन 5-year LLB में जब की लीगल रीजनिंग आती है ये पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम में होती है, इसकी हिंदी आपको नहीं बता जाती, तो लीगल रीजनिंग पूरी इंग्लिश में होती है। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जो लॉ है वो बेसिकली लैटिन से है, लैटिन अमेरिका यानी उससे,
बहुत मतलब से अरिस्टोटल जो आपने नाम सुना होगा जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का वहीं से फिर लॉ डिराइव हुआ। तो होता क्या है जो कई ऐसी चीजें थी जो ट्रांसलेट बहुत मुश्किल से होकर इंग्लिश में की है और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है और अगर हम करते हैं तो बड़ा वीगर्ड लगता है। तो इसलिए लीगल रीजनिंग थोड़ा इंग्लिश में इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे एक लीगल टर्म्स भी होती हैं लैटिन टर्म्स, ठीक है, वो पूरी जो है आपकी होगी, जैसे एक होगी आपकी वॉलेंटी नॉन कंटिजेंसिया, ठीक है, एक आपकी होती है क्या, एक चलिए कि वॉलेंटी नॉन कंटिजेंसिया हो गई, एक आपकी होती है जैसे मान लीजिए रिट्स हो गई आपकी हैबिस्कॉपस मैंडेमस सर्सरी वगैरह, ये भी लैटिन शब्द में आता है और काफी सारे से मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनका जो है ट्रांसलेशन बताना पड़ता है दोनों में। तो अब देखिए बात करते हैं फायदा किस में है। तो देखिए BHU 5 LLB भी नया है, यही 2019 में भी पहला बैच निकला है। प्लेसमेंट उतने कुछ अट्रैक्टिव नहीं आए हैं, कोई एवरेज पैकेज गया है 6-8 का, वही 3 LLB में जो है प्लेसमेंट आते नहीं है ना, कंपनी 3 LLB वालों के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेती। बट इनके साथ ये रहता है अगर आप BHU से या DU से या फिर GLC से अगर आप लॉ करते हैं 3 LLB वाला, तो अगर आप अपना कंपनी को अप्रोच करते हैं अपना CV के साथ तो विद द टैग ऑफ दिस 3 ब्रिलियंट इंस्टीट्यूशंस आपको जो है एडमिशन काफी आसानी से मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसको यहीं से बात करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे जो है सिलेबस और पेपर पैटर्न होता है। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।